ज्यादा दूध देने वाली भैंस के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन इन दिनों हरियाणा का मुर्राह नस्ल का एक भैंसा सुल्तान चर्चा में है जो शराब पीता है। फरीदाबाद के सूरजकुंड पर्यटन स्थल पर चल रहे दूसरे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में यह भैंसा खूब सुर्खियों में बटोर रहा है। करीब 7 साल 10 महीने का भैंसा रोजाना शाम को 100 मिलीग्राम स्कॉच पीता है। इस भैंसे को हर रोज अलग अलग ब्रांड का स्कॉच दिया जाता है। भैंसा का मंगलवार को ड्राई डे होता है, यानी इस दिन वह शराब नहीं पीता। रविवार को टीचर, सोमवार को ब्लैक डॉग, बुधवार को 100 पाइपर, गुरुवार को वैलेंटाइन, शनिवार को ब्लैक लेबल या शिवास रिगल पीता है। इस भैंसे के मालिक राम नरेश बेनीवाल बूढ़ाखेड़ा गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि सुल्तान का वजन 1700 किलो है। यह भैंसा सुल्तान मुर्राह नस्ल का है। सुल्तान 6 फीट से ज्यादा ऊंचा है। उनका दावा है कि यह भैंसा दुनिया में सबसे ऊंचा है। भारत में हुए कई एनिमल कॉन्टेस्ट में सुल्तान विनर रह चुका है। इस नस्ल के उनके पास 17 से 18 भैंसे हैं। पिछले साल राजस्थान में लगने वाले पुष्कर मेले में एक विदेशी ने सुल्तान भैंसा की कीमत 21 करोड़ रुपए लगाई थी, लेकिन राम नरेश ने इसे बेचने से मना कर दिया था। उनका कहना है कि वे इस भैंसे को अपने बेटे की तरह पालते हैं, इसलिए वे इसे बेच नहीं सकते। राम नरेश का दावा है सुल्तान साल भर में 30,000 सीमेन की डोज देता है, जो 300 रुपए प्रति डोज बिकती है। सुल्तान से सप्ताह में 2 बार सीमेन निकाला जाता है। इस हिसाब से वह सालाना 90 लाख रुपए कमाकर अपने मालिक को दे देता है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं में इनाम स्वरूप भी काफी रुपए कमाता है। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले रोहतक से 2,40,000 में खरीदा था। सुल्तान की अगर आप खुराक सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। भैंसा सुल्तान को रोजाना 10 किलो दाना और इतना ही दूध दिया जाता है। रोजाना करीब 35 किलो हरा और सूखा चारा दिया जाता है। सुल्तान सेब और गाजर भी खाता है। सर्दियों में 15 किलो सेब और गर्मियों में 20 किलो गाजर खिलाया जाता है। उनका कहना है कि यह भैंसा रोजाना करीब 2,500 रुपए का चारा खा जाता है। NMN न्यूज की रिपोर्ट।